आज की कहानी एक ऐसी बस की है जो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। इसे दी लास्ट बस टू प्रेग्नेंट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा खौफनाक वाकया है जिसकी वजह से अक्सर लोगों ने रात में सफर करना ही छोड़ दिया था। कहानी शुरू होती है चाइना के कैपिटल सिटी बीजिंग से थोड़ा सा दूर एक बस टर्मिनल है जिसका नाम युआंग मिंग हुआन है। ये कहानी 14 नवंबर 1995 की है। इस रात शदीद सर्दी पड़ रही थी। इस बस टर्मिनल से देर रात को आखिरी बस निकलने वाली थी। ये एक लोकल बस थी जो शहर के बाहर चलती थी। इस बस के आखिरी बस स्टॉप का नाम फ्रेग्रेंट हिल्स था। इस बस ने इसी जगह पर पहुंचना था और इस रूट का नाम रूट नंबर 375 था। जब ये बस टर्मिनल से निकली तो इसमें दो लोग थे, एक बस ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। थोड़ी दूर जाके ये बस एक बस स्टॉप पे रुकी। इस बस स्टॉप से चार लोग बस में सवार हो जाते हैं, एक 20-22 साल का यंग लड़का, एक बूढ़ी औरत और एक यंग कपल। यंग कपल बस में ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और लड़का दूसरे साइड वाली सीट पर बैठता है और बूढ़ी औरत उस लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। ये बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। रात के 2 बज रहे थे। रोड पर कोई और गाड़ी या बस दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद बस ड्राइवर को 2 लोग अंधेरे में खड़े नजर आए। ये लोग बस रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे। पहले तो बस ड्राइवर ने बस ना रोकने का फैसला किया क्योंकि ये लोग बस स्टैंड पर नहीं खड़े थे। फिर लेडी कंडक्टर ने कहा कि ये इस रूट की आखिरी बस है, इसके बाद सुबह तक कोई बस नहीं आएगी और ये लोग सख्त सर्दी में सारी रात यहीं खड़े रहेंगे। तो बस ड्राइवर ने बस रोक दी और जब वो लोग बस में सवार हुए तो वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। 2 लोगों ने तीसरे शख्स को सहारा दे के पकड़ रखा था, इसलिए तीसरा शख्स दिखाई ही नहीं दे रहा था। तीसरे शख्स का चेहरा भी सही से नजर नहीं आ रहा था और बाकी 2 लोगों का चेहरा इतना सफेद था, नॉर्मल लोगों से कहीं ज्यादा सफेद, और उन्होंने काफी पुराने जमाने की तरह के कपड़े पहने हुए थे। बस में मौजूद सब लोग उन्हें देख के खौफजदा हो गए और उन्होंने लेडी कंडक्टर से कहा भी कि उन्हें वो लोग कुछ अजीब लग रहे हैं। पर लेडी कंडक्टर ने कहा कि शायद वो किसी नाटक कंपनी में काम करते हैं और जल्दी में कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिला। पर वो बूढ़ी औरत इस बात से मुतमईन नहीं हुई और मुड़ मुड़ के उन्हें देख रही थी। अगले बस स्टॉप पे यंग कपल बस से उतर गया और बस फिर से चलना स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो बूढ़ी औरत एकदम से चीखना शुरू हो जाती है कि लड़के ने उसका पर्स चुराया है। पर लड़का इनकार करता है कि उसने ऐसा नहीं किया। वो दोनों झगड़ने लगते हैं। बूढ़ी औरत लेडी कंडक्टर को कहती है कि बस रोको, मैंने इसे पुलिस स्टेशन लेके जाना है। बस ड्राइवर मजबूरन बस वहीं रोक देता है और बूढ़ी औरत और लड़के को बाहर निकलने का कहता है। बस से उतरने के बाद लड़के को बहुत गुस्सा आया, पर बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि तुमने कोई चोरी नहीं की, मैंने ऐसा तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। लड़का हैरान होता है। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि वो 3 अजीब लोग जो बस में सवार हुए थे उनके पांव नहीं थे और वो इंसान नहीं थे। फिर वो दोनों पास के पुलिस स्टेशन जाके सारा वाक्या बताते हैं, पर पुलिस इंस्पेक्टर उनकी बात पर इतबार नहीं करता और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन पता चलता है कि रूट नंबर 375 की बस मिसिंग है। पुलिस को लड़के और बूढ़ी औरत की बात याद आती है तो पुलिस ने उन दोनों को वापस पुलिस स्टेशन बुलाया और उन्होंने फिर से वही कहानी बताई। 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही और फिर 2 दिन बाद पुलिस को रिवर से 375 रूट की बस मिली और बस में से 5 लाशें मिली। बस ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा उन तीनों की लाशें भी बस में मौजूद थी। पर जब फोरेंसिक लैब में जांच की गई तो पता चला कि वो 3 लाशें इतनी गल सड़ गई थी कि 48 घंटे पहले मरे लोगों की लाशों की इतनी खराब हालत कैसे हो सकती थी। इसके अलावा एक और चौंका देने वाली बात थी कि जिस जगह पानी में से ये बस मिली थी वो जगह फ्रेग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर आगे थी। जब ये बात बस टीबू में बताई गई
तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं कि ये बस 100 किलोमीटर आगे चली जाए, क्योंकि बस में इतना डीजल ही नहीं था। ये सुन के पुलिस वाले हैरान हुए, और जब उन्होंने डीजल चेक करने के लिए बस का फ्यूल टैंक खोला तो पूरा फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था, और ये बहुत अजीब चीज थी। ये कहानी आज भी मिस्ट्री बनी हुई है।